आज के इस वीडियो में आपको मैं कैल्शियम के बारे में बताने वाला हूँ कि कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और हम किस तरीके से अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कई बड़ी बीमारियों का होने का खतरा जो है वो बना रह सकता है। और हम किन्हीं दो चीज़ों की मदद से आसानी से अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि हम किस तरीके से अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पता लगा पाएंगे कि कमी है या फिर नहीं है। इसमें जो सबसे पहले लक्षण दिखाई देता है कि हम जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर से ही वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम काफ़ी जल्दी थक जाते हैं बिना किसी काम के। जो दूसरा लक्षण दिखाई देता है कि हमारे दांत जो है वो धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो तीसरा इसमें लक्षण दिखाई देता है कि स्किन पर रैशेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, रेडनेस सा हो जाता है। जो फोर्थ लक्षण दिखाई देता है कि जॉइंट्स में जो है प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, सूजन हो जाता है। जो फिफ्थ लक्षण दिखाई देता है कि हमारी हड्डियाँ धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि हमें को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जो सिक्स्थ इसमें लक्षण दिखाई देता है कि हमें भूख नहीं लगती है, हमारे को खाना खाने का मन नहीं करता। इसमें जो सेवन्थ हमें लक्षण दिखाई देता है कि हमारे जो बाल है वो धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और भी कई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें शरीर में सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं और जब तक धीरे धीरे कैल्शियम की कमी जो हमारे शरीर में बढ़ती चली जाती है और तब तक काफ़ी देर हो जाती है और हमें कोई बड़ी बीमारी होने का जो खतरा है वो बना रह सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आज आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा रखें और अपने शरीर को हमेशा हेल्दी और फिट रखें। उसके के लिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बताऊँगा और इन दो चीज़ों की मदद से आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आप चिया सीड्स की मदद से बहुत आसानी से कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है जो कि हड्डियों में सूजन को कम करता है, मांसपेशियों में सूजन है उसको कम करता है, हमारे शरीर में दर्द हो रहा होता है उसको कम करता है और हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जिससे कि हड्डियाँ मजबूत होती है। और साथ ही जो दूसरी चीज़ है बादाम, और बादाम के फायदे आप सभी जानते हैं, इसमें भी कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और भी अनदर इसमें हेल्दी फैट्स प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी सारे कंपाउंड्स इसमें और भी अनदर प्रेजेंट है जो कि आपके शरीर को काफ़ी सारे बेनिफिट देते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों की मदद से हम अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेंगे। बस इसका सेवन करने का हमें सही तरीका पता होना चाहिए, जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है चिया सीड्स। तो चिया सीड्स का आपको किस तरीके से सेवन करना है, तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आप मार्केट से जब चिया सीड्स परचेज करें तो अच्छी क्वालिटी का चिया सीड्स होना चाहिए। आप मिलावटी चिया सीड्स का इस्तेमाल करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप चिया सीड्स का सेवन दूध और पानी दोनों के साथ भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप सेवन करें। अगर आप दूध के साथ सेवन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे हमें कैल्शियम की जो कमी है वो काफ़ी तेज़ी से पूरी होगी, क्योंकि दूध में ऑलरेडी कैल्शियम की मात्रा है और भी अनदर काफ़ी सारी चीज़ें, जिससे कि आपको रिजल्ट जो है काफ़ी जल्दी मिलना स्टार्ट होंगे। तो आपको रात में सिंपली एक चम्मच चिया सीड्स लेना है और उसको आप दूध या पानी में जिस तरीके से आप पीना चाहें उसमें आप भिगो दीजिए और सुबह उठ करके आपको सेवन करना है। इससे आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्दी जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी है वो धीरे धीरे पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी और आप हमेशा हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो बादाम। तो बादाम का सेवन आपको कैसे करना है, तो सिंपली आपको 6 से 7 बादाम आपको पूरी रात भर पानी में भिगो करके रख देना है और सुबह उठ करके आपको उसको प्रॉपर तरीके से छीलना है और 1 गिलास दूध के साथ आप उसको सेवन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बात का ध्यान रखनी है कि बादाम को आपको प्रॉपर तरीके से चबाना है, इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से बादाम को नहीं चबाया तो उसमें जो भी ऑयल्स प्रेजेंट है वो प्रॉपर तरीके से निकलेगा नहीं और आपको उतने फायदे नहीं मिलेंगे, इसलिए बादाम को प्रॉपर तरीके से चबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बाकी ये दो चीज़ें तो अब आप बोलेंगे कि सुबह हम अब किस चीज़ का सेवन करें, या चिया सीड्स का या बादाम का। तो आप जो है सुबह सुबह सबसे पहले चिया सीड्स का सेवन कर ले और उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट आप जो है 1 गिलास दूध और बादाम जो है वो उसका आप सेवन कर ले, जिससे कि आपको दोनों के फायदे मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अनदर भी चीज़ है कि आपको डाइट में भी अपने खास ख्याल रखना है कि आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कैल्शियम की मात्रा जो है वो प्रेजेंट हो, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी प्रेजेंट होती है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इन सारी चीज़ों में कैल्शियम मात्रा अच्छी प्रेजेंट होती है। सोया मिल्क है उसमें भी कैल्शियम अच्छा प्रेजेंट रहता है, तो आप ऐसी सारी चीज़ों का जो सेवन है वो कर सकते हैं। डाइट में इन चीज़ों का सेवन आपको करते रहना चाहिए। तो आप दोपहर में 1 कटोरी दही भी आप सेवन करें, इसमें बाकी आपको सब्जियों का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे कि केल में भी कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी प्रेजेंट रहती है, भिंडी में भी कैल्शियम जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहता है, तो आप इन सब्जियों का भी आप सेवन करें। इसके अलावा जो चना है रोस्टेड चना, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं एज ए स्नैक के रूप में। तो आप बिस्किट वगैरह जो खाते हैं उसकी जगह पर आप रोस्टेड चना खाना स्टार्ट करें,
जिससे कि आपको फायदे काफी मिलेंगे और इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा प्रेजेंट है, जिससे कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी जो है काफी तेजी से पूरी होगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।